दिल्ली में है रोहित शर्मा का तूफान, लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का विजय रथ जारी। अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब दिल्ली में अफगानिस्तान टीम को चारों खाने चित कर दिया। बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चला, जिन्होंने तूफानी अंदाज में शतक लगाते हुए टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। भारतीय टीम को अपना तीसरा मैच 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में खेलना है। बता दें कि मैच में 273 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और ईशान किशन ने धांसू शुरुआत दी। दोनों के बीच में 156 रन की साझेदारी हुई। ईशान 47 रन बनाकर आउट हो गए, मगर रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। कप्तान रोहित शर्मा ने 84 गेंदों पर 131 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 गगनचुंबी छक्के और 16 चौके लगाए। रोहित की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 35 ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। अफगानिस्तान टीम के लिए कोई भी गेंदबाज अपना असर नहीं छोड़ सका, सिवाय स्टार स्पिनर राशिद खान के, लेकिन वो भी मैच बचाने में असफल रहे। मैच में अपनी इस पारी की बदौलत रोहित शर्मा ने शतक, छक्के और रनों जैसे कई सारे रिकॉर्ड बना डाले। बता दें कि रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर भी बन गए हैं, साथ ही रोहित वनडे वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए। वो वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिन्होंने 6 शतक लगाए हैं। साथ ही रोहित वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित और डेविड वार्नर ने बराबर 19 पारियों में 1000 रन पूरे किए। रोहित शर्मा ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए, उनके लिए एक लाइक जरूर कर देना।